होगी वहां पे आई हैव टू टेक स्टैंड। पर निहाल, मैंने अंदाजा लगा लिया है, मैंने मॉम के बिला वजह के एतराज को इग्नोर करके गलत किया। हम उनके लिए कुछ भी कर लें, वो खुश नहीं होंगी। लेकिन हमें कोशिश तो करनी चाहिए ना कि उन्हें कोई मौका ना दे। बीना, बीना लिसन, हमने शादी की है, कोई गुनाह नहीं किया, सो बी कॉन्फिडेंट, ओके? आंटी, आपको पता कि निहाल आज फिर बिना को लेके बाहर चला गया। क्या मतलब? बीना जी को अपने चाचा के घर जाना था और निहाल उसे लेकर फिर से चला गया। हालांकि मैंने उससे कहा भी था कि अपने आने जाने का बता दिया करो मुझे। शायद आप भूल गए हैं कि उसने क्या जवाब दिया था। निहाल ने कहा था कि वो उसकी बीवी है और उसको कहीं उसके साथ आने जाने के लिए परमिशन की जरूरत नहीं है आपकी। दिल तो चाह रहा है कि जब वो लोग आए तो उन्हें दाखिल ना होने दूं घर में, लेकिन क्या करूं, मैं निहाल की वजह से चुप हो जाती हूं। दिल तो मेरा भी बहुत कुछ चाहता, लेकिन आपकी बात याद आ जाती कि अगर निहाल इस घर से चला गया फिर तो हमारा प्लान बिल्कुल ही फ्लॉप हो जाएगा। मुझे तो उसकी वही बात नहीं भूलती, चंद रोज हुए थे अभी और उसने अलग होने की बात कह दी। एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचा कि हम उसके बगैर रहेंगे कैसे। इकलौता बेटा है हमारा, बुढ़ापे का सहारा है। इसी बात का तो वो फायदा उठाता है, और इसी बात की वजह से बिना को उसने अपने सर पर बिठा रखा। कहाँ फंस के रह गई हूँ मैं? तुमसे कहा भी था कि अपने जज्बात पर, अपने गुस्से पर काबू रखो। मैं क्या करूँ, मैं बिल्कुल ही बेकाबू हो जाती हूँ, नहीं कंट्रोल होता मुझसे। लेकिन अब ना मेरे जहन में एक बात आ रही, क्यों ना निहाल को काबू में रखने के बजाय हम बीना पे काबू पाए। आप अंकल से कहें कि निहाल को अपने साथ ऑफिस ले जाया करें। से क्या होगा? बीना आसान शिकार है, अकेले में से शिकार करना आसान है। निहाल के होते हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते।